तो क्या चल रहा है इस वीकेंड सई और विराट की लाइफ में, अब इनकी जिंदगी की कहानी के बारे में भी क्या कहें, अप्स एंड डाउन्स, डाउन्स एंड अप्स, इनकी जिंदगी में भी बस आते रहते हैं ट्विस्ट और ट्विस्ट। तो चलिए ले चलते हैं आपको गुम है किसी के प्यार के सेट पर और देखते हैं सई और विराट का हाल। स्टार प्लस की सीरियल गुम है किसी के प्यार में विराट के ठीक होने की खुशी में चव्हाण परिवार पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांट रहा है। पत्रलेखा नर्सेस को मिठाई दे ही रही थी कि उसके सामने आती है सच्चाई कि उनको पहले ही मिसेस चव्हाण ने यानी कि सई ने भगवान का प्रसाद दे दिया है विराट के ठीक होने की खुशी में। ये सुनते के साथ ही पत्रलेखा जल उठी और पहुंच गई सई को ताने कसने, लेकिन सई ने चुपचाप पत्रलेखा के सभी तानों को सुन लिया। तुम अपनी बातों में दूसरों को फंसा सकती हो लेकिन मुझे नहीं। गुड फॉर यू पाखी दीदी, आप काफी स्मार्ट है, प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए। तुम इसे अपना काम कहती हो या फिर ये तुम्हारी सपनों की लिस्ट में से कोई एक सपना है? अगर आज विराट यहाँ इस हालत में तो वो तुम्हारी वजह से, और अब तुम यहाँ उसकी देखभाल करने का नाटक करने आ गई। क्या लगता है तुम्हें तुम्हारे ये सब करने से तुम्हें परिवार वालों की माफी मिल जाएगी? नहीं सही, तुम अब पूरे परिवार वालों की नजरों से उतर चुकी हो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ सही, तो मेरी बात सुन भी रही हो? नहीं नहीं सुन रही, मैं अपना काम कर रही हूँ, किसी बकवास पर मेरा ध्यान नहीं है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? लेकिन जैसे ही पत्रलेखा ने विराट पर अपना हक जताया, सई का पत्नी धर्म जाग उठा और उसने बिना बोले ही अपने एक्शन से पत्रलेखा को आगाह कर दिया। तुम अपनी ये जॉब का झूठा वोटा नाटक बंद करो, निकलो यहाँ से। हेलो डॉक्टर पाटिल, कब आए आप? क्या बकवास कर रही हो तुम? अब डॉक्टर पाटिल नहीं है ना, मुझे सिर्फ डॉक्टर पाटिल ऑर्डर दे सकते हैं और कोई नहीं। और अगर आपकी याददाश्त कमजोर नहीं हो, आपको सब कुछ क्लियरली याद हो, तो पिछली बार विराट सर ने आपको यहाँ से जाने के लिए कहा था और मुझे उनका ख्याल रखने के लिए कहा था, याद है पाखी दीदी? सही मेरी पत्नी है, उम्मीद करता हूँ कि ये बात कोई ना भूले, खास तौर पर तुम। विराट पाखी, तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। अभी विराट सर बेहोश है और मैं आपको यहाँ से जाने के लिए भी नहीं कह रही हूँ। तुम में इतनी सी शर्म नाम की चीज है भी कि नहीं? विराट को इतनी तकलीफ पहुंचाने के बाद, उसका और उसके परिवार का नाम खराब करने के बाद, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि तुम विराट और चव्हाण परिवार के आसपास रह भी सकती हो? ये हक तुम खो चुकी हो सई। हक की बात आप मत करिए बाकी दीदी, तो ये अच्छा है। हाँ, अगर परिवार का कोई और सदस्य बोलता तो मुझे बात समझ आती, लेकिन आप ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है कि अगर परिवार का कोई और सदस्य बोलता तो मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता, बाबा का फ्रस्ट्रेशन समझ में आता, आई का दर्द समझ में आता, यहां तक कि काकू का नजरिया भी समझ में आता। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आप बहती गंगा में हाथ धोना कब बंद करेंगी पाखी दीदी? और तुम अपनी बात से मुकरना कब बंद करोगी? तुम बोलती कुछ और करती कुछ और। सही जोशी, जो अपनी बात का नहीं वो अपने बात। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हें अगर विराट की इतनी फिक्र है तो तुम इसे छोड़ के क्यों गई थी? तुमने विराट पर भरोसा क्यों नहीं किया था? क्यों तुमने इसे पूरी दुनिया के सामने, इसके परिवार के सामने जलील किया? तुमने इसका साथ तब छोड़ा जब इसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन मैंने विराट का साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं विराट के साथ हमेशा खड़ी रही हूं, इसके अच्छे बुरे वक्त में हमेशा इसका साथ दिया है, क्योंकि मैं इसका परिवार हूं, तुम नहीं। जाओ यहां से।